हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके लिए होने वाला है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, सो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, लिखावट कैसे सुधारें। इनके कुछ ट्रिक और टिप्स हमारे पास है जो हम आप सभी को देने वाले हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी और खूबसूरत हो जाए। कोई ये तो नहीं चाहता होगा कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो। तो आप सभी लोग ट्राई तो ज़रूर करते होंगे कि हमारी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाए और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है या कोई भी एग्ज़ाम होती है तो उसमें क्या होता है कि आपकी हैंडराइटिंग देखकर टीचर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और आपको 10% नंबर इसी तरह मिल जाता है। इसलिए आपको हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना बहुत ही नेसेसिटी है। तो आप अपनी हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे, इस वीडियो में हम आपको 3 टिप्स देंगे। आप हमारे इन 3 टिप्स को फॉलो कीजिए, आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी बेहतर हो जाएगी जितना कि आप सोच नहीं सकते। तो आपको हमारे इन 3 टिप्स को फॉलो करना होगा और डेली आपको हैंडराइटिंग लिखकर प्रैक्टिस करना होगा और कई पेज आपको हैंडराइटिंग लिखना होगा। ओके, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं या आपके बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या होती है कि आपके 10% नंबर आपके हैंडराइटिंग से ही मिलती है। इसलिए आपको हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना वेरी नेसेसरी है। तो आप क्या करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अपनी हैंडराइटिंग को सुधारे कैसे। नंबर 1, पेन को पकड़ने का तरीका क्या है। हर स्टूडेंट का पेन को पकड़ने का तरीका अलग अलग होता है, पर हैंडराइटिंग सबसे ज़्यादा खराब तब होता है जब हमारा पेन पकड़ने की तरीका गलत होता है। आप किसी भी प्रकार से पेन को पकड़े, पर आपको पेन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। अगर आप पेन पर प्रेशर डालते हैं तो 80% चांस है कि आपकी हैंडराइटिंग नहीं सुधरेगी, क्योंकि पेन पर ज़्यादा प्रेशर डालने पर उसके अगला पेज पे भी उगता है और अगला पेज भी प्रभावित होता है, जिससे कि हाथ बहुत जल्दी थक जाता है और हाथ में दर्द होने लगता है और आप फास्ट भी नहीं लिख पाते। अगर आपकी हैंडराइटिंग ज़्यादा खराब है तो आप इस पोजीशन में पेन को पकड़िए और आपका इंडेक्स फिंगर बाहर होनी चाहिए, अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पेन इंडेक्स फिंगर की ओर ज़्यादातर जा रहा है तो आपकी हैंडराइटिंग ज़्यादा बेहतर होगी। अगर थंब की ओर आ रहा है तो आपकी हैंडराइटिंग सुधरने की चांस बहुत कम है। पेन को पकड़ने की पोजीशन को नोट कर लीजिए और कलम पे प्रेशर बहुत ही कम डालिए। नंबर 2, दो शब्दों के बीच गैप जरूर रखें। दो शब्दों के बीच गैप रहता है तो आपकी हैंडराइटिंग ज़्यादा स्मूथ और क्लियर दिखती है। और हाँ, बात यह रहा कि ज़्यादा आपको गैप भी नहीं करना है और ज़्यादा आपको पास में भी नहीं लिखना है, और जितना हो सके हर शब्दों को बराबर लिखने का प्रैक्टिस करें। नंबर 3, लिखने का ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर हम किसी भी काम को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमारा ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। तो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और फास्ट लिखने का आपका हैबिट भी बन जाएगा। तो आपका ये टिप्स एग्ज़ाम में बहुत। तो ये रहे हमारे 3 टिप्स जिसे आप फॉलो करके अपनी हैंडराइटिंग को काफ़ी बेहतर बना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।